Hello, welcome to all people who are here, and I'm starting my tarot reading session for today, and I look forward for your questions. And before I start, I just want to say happy Christmas to all of you. Enjoy this day. Happy Christmas to everybody, and let's begin with the birthday reading for all of you. Let's find out what is stored for you today in terms of money, in terms of health, in terms of career. Okay, things are definitely really, really good. Though currently there are a few problems when currently one card, which is actually negative, it is indicating that you may witness leaving people, you may witness that things are not working out, but maybe it is a momentary things. ये सम थोड़े समय के लिए है, लेकिन अगर आप अपना विश्वास रखेंगे अपनी चीज़ें, अगर आप अपना बर्थडे आज का ये रीडिंग बिल्कुल बर्थडे जो आज मना रहे हैं आपने उनके लिए है. सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना विश्वास रखिए, अपने में ट्रस्ट रखिए, थिंग्स विल वर्क आउट. और ऐसा बहुत जल्दी आपके लिए समय आने वाला है जब आपके लिए ना केवल मॉनेटरी बेनिफिट होगा, अबेंडेंस का भी इंडिकेशन है. सो थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए, और आगे आने वाले समय में सेलिब्रेशन तो है ही. आज का दिन बहुत ही अच्छा चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है, बट सक्सेस भी है, मॉनेटरी गेन्स भी आपके लिए दिख रहे हैं आने वाले समय में, और ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा. सो ऑल द बेस्ट. ओके, सो दिस इज द बर्थडे रीडिंग. नाउ वी हैव अंकिता हू सेइंग गुड मॉर्निंग, and we have Daljeet Kaur also saying good morning, good morning. Then we have Jyoti Sharma, Merry Christmas Jyoti Sharma, how are you doing today? Then we have Neeru, 27 December exam clear hoga, card number 2 aap puch rahi hain. Okay, so let's find out. So this is number 1, this is 2, and this is 3, and aapne select kiya hai Neeru number 2. Aapka definitely hoga, new beginning ka indication hai. Yes card hai aapke liye, aapko chinta karne ki zarurat nahi hai. Lekin sath mein ye bhi bataya ja raha hai ki aise sirf sochna nahi hai Neeru ji, thoda sa planning karke agar aap aage badhengi to aapke liye zyada acha rahega. Aur planning ke sath preparation kijiye, thoughtful rahiye. Yes card hai, isme koi bhi do राय नहीं है. ऑल द बेस्ट. आपको ये भी मैं बता देती हूँ, हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो जो भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन बटन दबाना है ताकि आप कॉन्टेस्ट में शामिल हो सके. और जो भी विनर होगा, जो कि सिस्टम जनरेटेड जो विनर सेलेक्ट, सिस्टम ही सेलेक्ट करेगा, तो वो उस पार्टिसिपेंट्स को फ्री एंजल रीडिंग दी जाएगी वर्थ ऑफ 1000 रुपीज. तो बिल्कुल भी आप देर मत कीजिए, टाइप कीजिए एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन टुगेदर, और बस आप जो कॉन्टेस्ट है उसमें शामिल हो चुके हैं. और आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं फहमीदा की. फहमीदा, कीर्ति वासन की फीलिंग कार्ड नंबर 2. कीर्ति वासन की फीलिंग बिल्कुल भी पॉजिटिव आपके लिए नहीं है फहमीदा. सो एक्चुअली कीर्ति वासन की तरफ से आपका ड्रिफ्टिंग रिलेशन है, वो शायद आपको अभी तो बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है. कार्ड नंबर 3 बोल रही है कि शादी होगी क्या. अब देखिए, वो ऑलरेडी आपको छोड़ के जाने की तैयारी में है, और शादी होगी तो ऐसा भी नहीं लग रहा है. यहाँ पर ये लुक कार्ड है आपके लिए फहमीदा, सो यू हैव टू बेयर विद दैट. आप परेशान मत होइए, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान कीजिए. कभी कभी वो नेगेटिव जो चीज़ें आती हैं उनमें सबसे पहले हेल्थ पर ही असर होता है फहमीदा जी. तो पहले आपका प्रायोरिटी सब कुछ छोड़ के आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ का ही बताया जा रहा है. सो ऑल द बेस्ट फहमीदा.
इसके अलावा जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये हमारा एक नया पैटर्न हमने शुरू किया है। इसके अंदर हम ना केवल टैरो रीडिंग लेते हैं ना, बल्कि हमारे पास कंपनीज, बिजनेस टिप्स, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आप हम इस प्रोग्राम में कवर करेंगे। और इस समय दो तरीके के कॉन्टेस्ट आपके चल रहे हैं। द पर्सन हु विल एक्चुअली स्टार्ट जॉइनिंग बाय जॉइनिंग आई एक्सक्लेमेशन एंड जॉइन बटन, तो उनके लिए अलग से एक कॉन्टेस्ट है। और जो 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 टैरो रीडिंग में हैं, वो जो जो भी या अभी दिख रहे हैं जो भी लोग, वो भी अगर एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन बटन करेंगे तो लास्ट के अंदर सभी लोगों को जो कॉन्टेस्ट के विनर होंगे उनको जो भी विनर होगा उसको एंजल्स रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ वर्थ 1,000 रुपीज आपको दी जाएगी। सो प्लीज ज्वाइन कीजिए। तो ओनली आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ है, टाइप एक्सक्लेमेशन साइन जॉइन टू जॉइन द रैंडम ड्रॉ जो सिस्टम डायरेक्टेड है। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज ज्वाइन फॉर द कॉन्टेस्ट। एंड एट द सेम टाइम वी हैव नीरू कार्ड नंबर, अच्छा फहमीदा कार्ड नंबर 1, जनरल रीडिंग, जनरल रीडिंग कार्ड नंबर 1 आपके लिए फहमीदा। देखिए वो बिल्कुल भी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, एकदम नेगेटिव है, डेथ कार्ड है। तो ये ऑलरेडी आज आपका लिए अच्छा दिन नहीं है, तो थोड़ा संभल के थोड़ा पॉजिटिविटी को ज़्यादा, पॉजिटिविटी का हाथ ज़्यादा आप पकड़ें आज एटलीस्ट। तो सो दिस इज़ इट। नीरू अर्श की फीलिंग कार्ड नंबर 2, अर्श की फीलिंग आपके लिए पॉजिटिव है, बैलेंस करके चीज़ों को आगे बढ़ाइए। सो ऑल द बेस्ट, अच्छा है, पॉजिटिविटी है आपके लिए। देन वी हैव दलजीत कौर कार्ड नंबर 1 फ्रॉम हरजीत जी, कार्ड नंबर 1 फ्रॉम हरजीत जी, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। जो भी अगर आप हरजीत की तरफ से कुछ भी सुने या जनरली भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। फेक न्यूज़ पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, लाइव को विटनेस करना पड़ सकता है आपको। सो ये बात है, जस्ट टेक केयर। एंड अर्निंग हब, हेलो नमस्ते, नमस्ते जी कैसे हैं आप। एंड देन फहमीदा, थैंक यू मैम, यू आर वेल्कम फहमीदा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। अर्निंग हब का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। कॉन्टेस्ट में कैसे ज्वाइन करना है मैडम, प्लीज टेल द प्रोसेस। ओके, तो नीरू जी करना क्या है, आपके जो कीबोर्ड है उस पर एक्सक्लेमेशन साइन, देखिए स्क्रीन पे भी लिखा हुआ अगर आप देख पाए तो एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन बटन दोनों को, ज्वाइन टाइप कर दीजिए। और जैसे ही आप ये दोनों ज्वाइन ये टाइप करेंगी ना, वैसे ही आप कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाएंगी। और जो कॉन्टेस्ट में जो विनर है वो सिस्टम जनरेटेड है और रैंडम ड्रॉ है, तो आप जल्दी से एक्सक्लेमेशन साइन को टाइप कीजिए और ज्वाइन को टाइप करके बस यू आर देयर नीरू जी। सो डू दैट, और ऊपर स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है ये सब। देन अर्निंग हब जनरल रीडिंग कार्ड नंबर 2, अर्निंग हब जनरल रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव है, प्रॉमिसिंग है अर्निंग हब, क्योंकि मॉनेटरी गेन्स आपको दिख रहे हैं आज, और आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज, स्पेशली मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स में आपके गेन का इंडिकेशन दिख रहा है। सो दिस इज इट। और जैसे कि मैं बता रही थी कि आप 10 बजे से ही हमको ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने प्रश्न भी आप 10 बजे से भी डाल सकते हैं। और पिछले दिनों शायद 4-5 दिन मैं अवेलेबल नहीं थी, और इसलिए इसलिए आपसे बातचीत नहीं हो पाई, बट अभी हम रेगुलर रहेंगे। और ना केवल टैरो है, बट आप अपनी अपने अगर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के हम टॉपिक्स लेकर आए हैं जो आपको बेनिफिट कर सकते हैं। जॉब ढूंढ रहे हैं तो हम कंपनी के डिटेल्स जो हर एक स्टेट में है उनका डिटेल्स भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, डेली बेसिस पर आएंगे। और बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस टिप्स के भी डिटेल्स हैं, और टैरो रीडिंग तो है ही। साथ में दो तरह के कॉन्टेस्ट आप
के लिए है, एक में हम आपको जो जो रैंडम है, जो सिस्टम जनरेटेड है, उसमें हम टैरो रीडिंग जो हम देंगे, एंजल्स रीडिंग फॉर द विनर जो रैंडमली सिस्टम सेलेक्ट करेगा। और इसके अलावा अगर आप हमको वॉच करते हैं और वहाँ पे भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपके लिए ओरेकल रीडिंग का व्यवस्था हमने की हुई है। सो जल्द से जल्द आप एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन दोनों चीज़ें टाइप कीजिए और शामिल हो जाइए एक रैंडम ड्रॉ में। So all the best। और अब हम लेते हैं ओके सो अब आपके और कोई प्रश्न है तो हमें बताइए। हमारे बीच में है बिमला मिश्रा जी जो कि हमारी मेंबर हैं। हेलो बिमला जी, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद, एक तो मैं भी अवेलेबल नहीं थी और आपसे भी बहुत बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। बिमला मिश्रा जी ने ज्वाइन कर लिया है बिल्कुल आप, और अब्दुल से नीरू ने भी ज्वाइन कर लिया है जो हमारा रैंडम ड्रॉ निकलने वाला है एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, और अर्निंग हब ने भी ज्वाइन किया है, ठीक है। सो ऐसे ही आप एंट्रीज डालते जाइए और आपका आपका एंड ऑफ द प्रोग्राम में आपका ये जो है ड्रॉ निकलेगा और जो भी विनर होगा उसके लिए हम एंजल्स रीडिंग करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं और रीडिंग करते हैं काजल सोनी की, सॉरी पहले तो बिमला मिश्रा जी की कर लेते हैं। बिमला जी गुड मॉर्निंग, आपने कोई प्रश्न नहीं डाला है, तो अगर आप प्रश्न डाल देती हैं तो मैं आपका रीडिंग कर लूंगी। इन द मीन टाइम मैं काजल सोनी का प्रश्न लेती हूँ। क्या वरुण यादव मुझसे बात करते हैं? ये बोला है और कार्ड नंबर 2 लिया है उन्होंने। देखिए कन्फ्यूजन का है, ये नेगेटिव कार्ड है आपके लिए काजल सोनी जी। तो ये एक बहुत कन्फ्यूजन है, कई चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो अभी तो नो ही समझा जाएगा इस के लिए काजल सोनी जी। ओके कार्ड नंबर 2 नीरू पूछ रही हैं कि अर्श वॉच माय स्टेटस, नहीं वो वॉच नहीं करते हैं, नो कार्ड है आपके लिए। रेनू जी एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन ये टाइप करना है, आपने सिर्फ जॉइन बटन ही किया है, सो प्लीज थोड़ा दोबारा से एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन बटन ये दोनों साथ में टाइप करने हैं, जैसे कि आप देख रही हैं बिमला मिश्रा जी ने किया है उस तरीके से, और वैसे वहां पे भी लिखा है स्क्रीन पर तो वो भी आप चेक कर सकती हैं। ओके मैम मेरे लिए अगर करियर में अच्छा आने वाला है प्लीज चेक, आपके मतलब करियर में कुछ अच्छा होने वाला है ये आप पूछना चाहती हैं, तो कार्ड नंबर 1 और फिर नीचे लिखा मैम मैं भी टैरो सीख रही हूँ। ओके दैट्स रियली ग्रेट, बट आप जो भी पूछना चाहती है आपने कार्ड नहीं सेलेक्ट किया है बिमला जी। हाँ तो आप आगे करियर में अच्छा होने वाला है तो मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड लेती हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये इनको हटा देती हूँ बिमला जी, करियर का रीडिंग मैं आपके लिए करती हूँ। 1 मिनट एक बार रिशफल कर लूँ। अच्छी बात है आप टैरो सीख रहे हैं, टैरो बहुत ही एक सूडो साइंस होता है बिमला जी, और ये बहुत कुछ आपको आपको बता सकता है, आपके लिए पॉइंटर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो अच्छी बात है कि आप टैरो सीख रही हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आपका करियर में आगे क्या अच्छा होने वाला है। सो देखिए पहली बात है कि जो भी आप करें बिल्कुल शिद्दत से चीज़ें करिए, जब तक शिद्दत से और बिल्कुल 100% पॉजिटिविटी और मतलब जैसा होता है ना कि भाई मुझे ये करना है प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ, जब तक आप नहीं करेंगे जैसे कि आप देख पा रही हैं प्योरिटी ऑन इन योर थॉट प्रोसेस, आपकी सोच में प्योरिटी होनी चाहिए, आप जो कर रही हैं उसमें बिल्कुल जैसे होता ना कि एकदम स्ट्रांगली वो करेंगी और ये सोचेंगी कि मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा। दूसरी बात है फाइंड बैलेंस,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बैलेंस नहीं चीज़ों को कर पाते हैं, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो बिमला जी ये भी बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू टैरो के दो चीज़ें आपके लिए, पहले तो बैलेंस कीजिए चीज़ों को, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, और जो भी करना चाहती हैं करियर में वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल शिद्दत से चीज़ों को हैंडल कीजिए, बिल्कुल प्योरिटी ऑफ हार्ट ऑनेस्टी के साथ करेंगी तो आपका ये काम ज़रूर ज़रूर पूरा होगा, सक्सेस भी आपको मिलेगी। तो ये है आपकी रीडिंग आज के लिए बिमला जी, आई होप गॉड ब्लेस यू, आपका सारा काम फटाफट जल्दी से हो जाए। और जैसे कि मैंने बोला है कि हमारा रैंडम ड्रॉ चलेगा, उसके लिए एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन दोनों को टाइप करना है एक साथ और फिर आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, रैंडम ड्रॉ निकलेगा। अभी तक सिर्फ दो ही लोग शामिल हुए हैं तो बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए। अब मैडम मेरे हस्बैंड मनोज की फीलिंग मेरे लिए क्या है? ओके, आप ठीक है, मैं आपके लिए लव डेक लेती हूँ और फाइंड आउट करती हूँ कि आपके लिए फीलिंग क्या है आपके हस्बैंड की। लेट्स फाइंड आउट। विमला मिश्रा जी, वन मिनट। सो आपके लिए फीलिंग क्या है? और ओके, देखिए आपके फीलिंग्स के अंदर थोड़ा आपको समय लग सकता है, पहली बात तो ये आ रही है, और चैलेंजेस भी आपके लिए हैं इसके अंदर करेंटली अगर हम देखा जाए। और इसमें जब तक आपके जो मतलब जिस तरह की फीलिंग आप देख रही हैं अपने हस्बैंड को लेकर, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप अथक मेहनत करेंगी और मतलब सिंसियरिटी के साथ अगर चीज़ों को हैंडल करेंगी तभी आगे चीज़ें जाकर आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बट एक एग्रेशन भी नहीं दिखाना, बस आराम से सीमलेसली काम करती रहेंगी कोई क्वेरल के बिना, तो चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए आगे अच्छी हों। यहाँ पे एक नेगेटिव कार्ड आपके लिए आ रहा है, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। हालांकि ये जो है ये पॉजिटिविटी का इंडिकेशन है, जहाँ पर आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा अपने पैरों पे आप खड़ी रहें, अपने फिनेंशियल स्टेटस को आप ढंग से हैंडल करेंगी तो ये एड ऑन होगा आपके लिए, और रियलिस्टिकली चीज़ों को हैंडल करना सीखिए बिमला जी। और इमोशनल तो ठीक है बट रियलिस्टिक चीज़ों को हैंडल करेंगी। टाइम आ गया है आपके लिए कि आप अपने पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें, जिसमें ना केवल आपको मॉनिटरी गेन्स हो बल्कि आप बिल्कुल जैसे कि पहले भी आया था प्रैक्टिकल होकर रियलिस्टिकली होकर अपने आप का डेवलपमेंट करेंगे, इसका असर आपके रिलेशन में ज़रूर पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान कीजिएगा। तो यहाँ पर रिलेशन के लिए पहली बात है बिमला जी कि आपको बिल्कुल अच्छे से हार्डवर्क करना होगा, सिंसियरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगी तब जाके मनोज की, क्योंकि अभी तो अगर देखा जाए लिटरली तो ये बदला जाएगा कि नो का इंडिकेशन है, बट साथ को ये बताया जा रहा है कि पुट योर हार्ट एंड सोल इन द रिलेशनशिप और अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक गोल्स बनाएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप के हो या फाइनेंशियल गेन के हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हो, तो आपको फायदा हो, क्योंकि अभी लैक ऑफ मनी तो दिख रहा है आपकी तरफ से। सो ये इंडिकेशन है, थोड़ा सोच विचार करके आगे एक्शन लीजिए। गॉड ब्लेस यू विमला जी, ऑल द बेस्ट। नाउ कमिंग बैक टू माई वन कार्ड रीडिंग, एंड आप हमारे बीच में हैं। ओके, सो अभी तक दो एंट्रीज आई हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूं कि प्लीज आई एक्सक्लेमेशन एंड जॉइन दोनों को एक साथ टाइप करना है तब आप लकी ड्रॉ में ऑलरेडी शामिल हो जाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ दो ही एंट्रीज हैं, सो डू इट नाउ। काजल, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? कार्ड नंबर वन, आप बिल्कुल मिलेगी आपको, यस कार्ड है आपके लिए। थोड़ा आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है बट थोड़ा सा आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए या मतलब गाइड के साथ, किसी गाइडेंस या मेंटर के साथ थोड़ा सा वर्क करेंगी ना काजल जी, तो आपको बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए। सो अच्छा है, आपके फ्रेंड हैं या आपके टीचर हैं उनकी हेल्प आप लेना मत भूलिएगा। देन कार्ड नंबर हस्बैंड परशुराम की फीलिंग मेरे लिए आज कैसी हैं? आज आपके लिए फीलिंग
ओके है, यस कार्ड है डेफिनेटली, लेकिन इमोशन से आज के रिलेशन में काम नहीं चलेगा आज के दिन. थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अगर आप हैंडल करेंगी तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी. अभी आपके पास पोटेंशियल है इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का. सो ऑल द बेस्ट रेनू. Then we have Tanya Khajuria. आर्यन की फीलिंग कार्ड नंबर 2. आर्यन की फीलिंग आपके लिए पॉजिटिविटी का इशारा लेकर आई है. न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है. यस कार्ड है. सो ऑल द बेस्ट तानिया जी. एंड देन वी हैव जनरल रीडिंग कार्ड नंबर 2. दोबारा से पूछ रही है तानिया जी. तानिया जी आपके लिए भी बहुत ही लवली है. द वर्ल्ड कार्ड है तो जो आप चाहती हैं वो आपके लिए, जिस तरह का रिजल्ट चाहती हैं वो आपके लिए जरूर मिलेगा. बस अपने में पॉजिटिविटी रखिए, चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी. नया साइकिल आपके लिए विच इज पॉजिटिव साइकिल, वो आपके लिए शुरू होने वाला है. सो ऑल द बेस्ट. लवली यस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यस है आपके लिए. ऑल द बेस्ट. Then we have Karampal. Gundeep की feeling card number 2. Gundeep की feeling positive है. Gundeep से मिलने का chance हो सकता है. Generally भी travel is also on the card. Planning के साथ चीज़ों को handle करेंगे तो आपके लिए Karampal जी ज़्यादा अच्छा रहेगा. With के result oriented जो चीज़ें हैं ना, तो उनको उस तरह से handle करें. Especially relationship में इसकी भी ज़रूरत होती है. So yes card है. All the best. अब हम आगे बढ़ते हैं. रेनू इज सेइंग थैंक यू. और जल्दीज कौर, मैंने आपके लिए वन कार्ड लिया है हरजीत का. ऑलरेडी रीडिंग में कर चुकी हूँ. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हमारा जो जो हमारा सेशन है वो हमारा 10 बजे शुरू होता है. सो एवरीबडी, उसके अंदर बहुत सारे जो भी बहुत सारे टॉपिक्स हम ले रहे हैं. साइंस का है, बिजनेस ट्रिप का है, और टॉप कंपनीज, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो टॉप कंपनीज की डिटेल्स आपको दी जाती हैं. साइंस और हिस्ट्री का भी हमारा सेशन है, जिसमें आप अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर जैसे क्विज़ का भी क्विज़ भी है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और हमारे पास ना केवल वन एक हमारे पास ड्रॉ है, बट हमारे पास 2 ड्रॉज हैं. और जो भी जो एंट्रीज, जो रैंडम एंट्रीज आप कर रहे हैं अभी, जो कि अभी 2 एंट्रीज ही आई हैं हमारे पास, तो उनके लिए हम एंजल्स रीडिंग, जो विनर्स होंगे, जो रैंडम ड्रॉ होगा, उनके लिए हम एंजल्स रीडिंग करेंगे. इसके अलावा अगर आप इतने सारे जो हमारे चंक्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके लिए हमारे पास ओरेकल रीडिंग है. तो जो भी विनर होगा, तो 2 तरह की रीडिंग अभी हम लोग कर रहे हैं आज से आपके लिए. 1 इज ओरेकल रीडिंग, 1 इज एंजल्स रीडिंग. तो इन दोनों जो क्विज है, जो ड्रॉज है, उनमें आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए. अभी जो रैंडम आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं रैंडम ड्रॉ में, उसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन ये टाइप करना है. और अभी हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, तो टाइप कीजिए और शामिल हुई है ये रैंडम ड्रॉ में, ताकि आप जो भी लकी वन है वो एंजल्स रीडिंग पा सकें इस ड्रॉ के द्वारा, विच इज वर्थ ऑफ 1,000 रुपीज. सो ये नया तरह का पैटर्न है हमारे प्रोग्राम का, जिसमें ना केवल टैरो रीडिंग है बट बहुत कुछ है. सो 10 बजे, जैसे कि मैंने बोला आपको, 10 बजे हमारा ये स्ट्रीमिंग शुरू होता है. तो आप इसमें 10 बजे शामिल हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों का फायदा आप उठा सकते हैं, साथ में विनर भी बन सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट. और जैसे कि मैंने बोला कि पिछले दिनों वी वर नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू. सो क्योंकि वी वर प्रिपेयरिंग फॉर न्यू पैटर्न ऑफ द प्रोग्राम, हम नया तरीके का शो आपके लिए तैयार कर रहे थे,
और अभी दलजीत कौर बोल रही हैं थैंक यू, यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू. रेनू ने भी बोला है थैंक यू, यू आर वेलकम रेनू जी. करमपाल थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू करमपाल जी, थैंक यू सो मच. और आप सभी से दोबारा से गुजारिश है फटाफट टाइप कीजिए एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन, ये साथ में टाइप करेंगे तो आप हमारे रैंडम ड्रॉ में शामिल हो पाएंगे. अभी हमारे पास ओनली 2 एंट्रीज आई हुई हैं. और अगर आपके प्रश्न हैं तो फटाफट हमें लिख भेजिए. बिमला जी जो हमारी मेंबर हैं उन्होंने अपने प्रश्न डाले थे, उनका रीडिंग हमने कर दी है. और बिमला जी भी बोल रही हैं थैंक यू, यू आर वेलकम बिमला जी, गॉड ब्लेस, टेक केयर योर सेल्फ, अच्छे से अपना ख्याल रखिए. और हमेशा सभी लोगों के लिए है कि आप हमेशा खुश रहिए, खुश रहेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो सक्सेस आएगी और हेल्थ भी. सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेल. सो आज से हमने जैसे कि मैंने बताया नया तरह का पैटर्न, हमने नया तरह का शो शुरू किया है जिसमें टैरो नहीं है, बहुत कुछ आप पा सकेंगे, सीख सकेंगे. और आने वाले समय में भी कई सारी चीज़ें हम इन प्रोग्राम में ऐड करेंगे डेफिनेटली. तो अभी हमारे पास 2 एंट्रीज हैं रैंडम ड्रॉ के लिए. और हमारे पास हमारे पास अभी समय भी है, 1 आवर है. और सैटरडेज जैसे हमने पहले बताया था सैटरडेज के, क्योंकि अभी हमारा आखिरी सैटरडे रहेगा तो आप सभी से गुजारिश है कि आप मेंबर बन जाइए, क्योंकि सैटरडेज को मेंबर्स ओनली. बिमला जी आपके लिए भी है कि बिमला जी आपने अभी तक ये जो फैसिलिटी है मेंबर्स की वो आपने अभी अवेल नहीं की है. अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो बिमला जी आप सैटरडे ज्वाइन मुझे कर सकती हैं, क्योंकि हम मेंबर्स की रीडिंग हम सैटरडेज को करेंगे आने वाले समय, दिस इज 2024 के लिए. सो कुछ खास करना नहीं है, सभी लोगों को प्लीज बिकम द मेंबर एंड अवेल द फ्री रीडिंग रिगार्डिंग 2024, जिसमें आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट. So let me take a break of 30 minutes. सो वी हैव रीटा. रीटा ने अपना प्रश्न रखा है और सभी को एक बार फिर याद दिला देती हूँ कि प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, जहाँ पर वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़ इंजस रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री है. कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन दोनों को एक साथ टाइप करना है. अभी हमारे पास सिर्फ 2 एंट्रीज हैं. सो प्लीज़ एंटर टू अवेल दिस ऑफर.
और जो भी लकी वन होगा उसके लिए एंजल्स रीडिंग वर्थ ऑफ 1,000 रुपीज बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है. तो रीटा जी कार्ड नंबर 2 है, मेरा कल का दिन कैसा जाएगा? कल का दिन आपके लिए अच्छा जाएगा, पॉजिटिव है, यस कार्ड है आपके लिए, न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है, सो ऑल द बेस्ट. सो सभी से गुजारिश है कि प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए रैंडम ड्रॉ में टू अवेल रीटा जी, करमपाल जी, बिमला मिश्रा जी ने तो कर लिया है ऑलरेडी, तानिया खजूरिया. सो तानिया का एक और प्रश्न है कि युवराज की फीलिंग, कार्ड नंबर 3, युवराज की फीलिंग आपके लिए पॉजिटिव है. थोड़ा सा अपना भी आपको एफर्ट करना चाहिए तानिया खजूरिया युवराज के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी पर्सनालिटी में एनहांसमेंट आप लाएं, और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट इज द की, तो वो करके देखिए आपको फायदा होगा. हालांकि यस कार्ड है, पॉजिटिविटी है, सो ऑल द बेस्ट. ओके, तो रीटा का दूसरा प्रश्न है, रीटा जी व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन द रैंडम ड्रॉ? इसमें आपको करना है एक्सक्लेमेशन साइन, ऊपर लिखा हुआ ऑलरेडी टाइप किया हुआ है आप देख सकती हैं, एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन को टाइप करना है, सो यू आर इन द लकी ड्रॉ टू अवेल एंजल्स रीडिंग. अब आपका प्रश्न है क्या न्यू पैरेट जनवरी मंथ में मिलेगा? ओके, आप न्यू पैरेट ढूंढ रही हैं आप. ओके, तो पिछली बार जो हमारी बात हुई थी तो उसके लिए आप इसमें उसका ज़्यादा ध्यान रखिएगा और मिलेगा बिल्कुल अगर आपका मन है, और ये एंटायरली आपके विल पावर पे है, और यस कार्ड है आपको, तो इसमें दो चीज़ें हैं कि यस आपको पैरेट मिल सकता है और रीटा जी, और अगर आप बिल्कुल फोकस हैं कि मुझे पैरेट चाहिए तो ये काम हो जाएगा. लेकिन बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस बार उसका ध्यान ज़्यादा रखिएगा, ठीक है ना. सो ऑल द बेस्ट, ये आपके विल पावर पे ज्यादा डिपेंड करता है, यस कार्ड है आपके लिए. आपको इसमें अगर कहीं से असिस्टेंस चाहिए तो आप जरूर लीजिएगा किसी से, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए पैरेट के बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, तो जरूर लीजिएगा, बट कंट्रोल रखिएगा आपके पेट का, पेट पर, और खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए और उसको भी खुश रखिए. ऑल द बेस्ट. और जो भी जगह बनाए अपने घर में, अगर आप पैरेट ला रही हैं तो नॉर्थ ईस्ट साइड में उसका उसका केज रखें, उसकी केज रखें, वो उससे उस ज़्यादा फायदा होगा. बट ध्यान रखिए, आप बोल रही हैं मैं सही बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच. तो आप जो भी केज लाएं उसको ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसको नॉर्थ ईस्ट साइड में रखें, और सर्दियों के दिन हैं तो डेफिनेटली. हाँ, एक बार मिस्टेक हो गई है और मुझे पता है कि जब हमारे पेट को कोई तकलीफ होती है या हम उससे बिछड़ जाते हैं तो कितना दुख होता है रीता जी, ये मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपके लिए. सो ऑल द बेस्ट. आदिति, शुभम की करेंट फीलिंग कार्ड नंबर 3, ये आदिति पूछ रही हैं. सो नहीं, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं आदिति जी शुभम की फीलिंग्स को लेकर. इनफैक्ट ब्रेकअप का इंडिकेशन दिख रहा है आदिति जी, सो थोड़ा सा ध्यान रखिए. ऑल द बेस्ट. और सभी को एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि हमारा रैंडम ड्रॉ चल रहा है. आदिति जी, रीटा जी, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, और ये रैंडम ड्रॉ निकलेगा एट द एंड ऑफ दिस शो, जहाँ पर आपको वर्थ ऑफ 1,000 रुपीज़ जो एंजल रीडिंग है फ्री दी जाएगी. तो जो भी विनर होगा, तो उसके लिए कैसे एंटर करें इस ड्रॉ में, तो उसके लिए बस करना ये है कि एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन दोनों टाइप कर लेना है, और टाइप करके एंटर दबा दीजिए और आप इस ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे. और ये सिस्टम जनरेटेड ड्रॉ है, तो प्लीज फटाफट इसमें शामिल होइए और बिकम दैट लकी वन आज. तो ऑल द बेस्ट.
एक बार फिर मैं याद दिला देती हूँ कि अब हमारा जो ये शो है ये एक्चुअली 10 बजे शुरू होता है, और 10 बजे ना केवल हम टैरो भी शामिल करेंगे बट इसमें हिस्ट्री, बिजनेस टिप्स, टॉप कंपनीज, वास्तु और क्विज, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जो जॉब ढूंढ रहे हैं या बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं या वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, साइंस एंड माइंड, जिम तीनों हैं। इसके अलावा टैरो तो है ही हमारा। हमारे बीच में है चिकन कुमार जी, जो कि जिन्होंने अपने अभी सुपर चैट यूज़ किया है, तो अभी मैं उनका प्रश्न लेती हूँ। रानी भाभी की करंट फीलिंग, और तो मैं सबका बायपास करती हूँ और सबसे पहले चुकुन कुमार जी का रीडिंग मैं करूँगी। रानी भाभी की करंट फीलिंग, लव डेक लिया हुआ है चुकुन कुमार जी आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट कि आज टैरो आपको क्या एडवाइस, क्या पॉजिटिविटी, क्या नेगेटिविटी का इंडिकेशन देता है। लेट्स फाइंड आउट क्या गाइडेंस देते हैं लव डेक्स आपके लिए। चुकुन कुमार जी, बिल्कुल ध्यान से अपनी रीडिंग आप सुनिए। ओके, सो पहली बात है कि यहाँ पर थोड़ा ये जो पहला कार्ड है ये एक लेकर आया है इंडिकेशन अनस्टेबिलिटी का, मतलब स्टेबिलिटी जहाँ फीलिंग की बात है तो वहाँ स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है पहले कार्ड के अंदर, और ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन दिख रही है चिकन कुमार जी। और इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इंक्लाइंड हैं, अगर आप रानी भाभी के लिए आपके दिल में कोई भी फीलिंग है तो वो फीलिंग को बरकरार रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि, हालांकि ये कार्ड ये बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप चीज़ों को छोड़ दें। अगर आप कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसमें लगे रहते हैं तो हमें सक्सेस देर सवेर ज़रूर मिल जाती है, चाहे लेट मिले बट मिलेगी। तो ऐसा ही कुछ इंडिकेशन दिया जा रहा है यहाँ पर। पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए चिकन कुमार जी है कि स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, जो आप कर रहे हैं रानी भाभी को लेकर आपके दिल के अंदर जो भी एफर्ट करते हैं, चाहे आपको कुछ भी आपको मिले, नेगेटिव मिले, पॉजिटिव मिले, उसका नहीं है, बट आपको इसमें लगे रहना होगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अभी आज के सिचुएशन में एक एडवांटेज आपको जरूर मिल रही है, तो एडवांटेजियस पर हैं आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आपका जो रेस्पॉन्स हो रानी भाभी की तरफ से वो नेगेटिव हो, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि आपको इसमें लगे रहना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको पर्सुएशन, रानी भाभी को पर्सुएशन करना चाहिए, और इसमें आप अपने प्रिंसिपल पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, इतना भी ध्यान रखिए जो आप सोच रहे हैं। पर्सुएशन करने का मतलब नहीं, ये नहीं है कि आप की सोच है या आप जो करना चाहते हैं उससे एकदम डाइवर्ट हो जाएं या एकदम कुछ अलग ही करने लगे, तो पर्सुएशन कीजिए, स्टैंड ऑन द ग्राउंड, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी, ये जो सेकंड कार्ड है वो आपके लिए पॉजिटिविटी, और ये भी दोनों पॉजिटिविटी का इंडिकेशन है, यस कार्ड है। कॉपरेशन आपको मिल सकता है रानी भाभी आगे आने वाले समय में चुकुन कुमार जी, लेकिन इसमें आपको लीडर बनकर इसको हैंडल करना पड़ेगा, तो लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत है अभी, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड्स की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा टॉलरेंस की भी आपके लिए ज़रूरत रहेगी। और अभी ये जो फूल कार्ड है ये आपको ये बताता है कि टाइम आ गया है कि अगर आपको चैलेंज कुछ लेना पड़े तो आप ज़रूर लीजिएगा इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि चैलेंज होता ना, जब तक चैलेंज नहीं लेते तब तक चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती, तो चैलेंज आप लीजिए। दोनों ही पॉजिटिविटी का इंडिकेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ डिसिप्लिन, जो परसू कर रहे हैं थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए कि क्या एक्चुअली चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग इज इंडिकेटेड, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा प्लानिंग कीजिए, ट्रैवल कीजिए, मिलिए जुलिए रानी भाभी से, बात कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिल रहा है, इमीडिएट अभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए ये कार्ड आपको बोलता है कि प्लीज़ होल्ड योर ग्राउंड, लगे रहिए जो आप करना चाहते हैं। करंट फीलिंग नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको परसू करना बंद कर दें, क्योंकि निगोशिएशन कीजिए, सेल्फ
अपने अपना भी ख्याल रखिए, रानी भाभी का भी ख्याल रखिए, और कॉम्प्रोमाइज अपने प्रिंसिपल्स पे मत कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आपने कॉम्प्रोमाइज अपने प्रिंसिपल पे किया उस दिन आप अपने ग्राउंड जो है वो आप छोड़ देंगे और या आपका साथ एंजल्स नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको बिट्रेल मिल सकता है, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि आपको समझदारी के साथ हैंडल करना है और आपको डिसिप्लिन लाना है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले समय में बहुत मिलने वाली है, और वहां पर आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेंगे इस रिलेशन के लिए तो न्यू बिगनिंग बिल्कुल अच्छे से दिख रही है आपको। सो मेक ए इंपॉर्टेंट चॉइस एंड बिफोर, बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग कीजिए, थिंक बिफोर यू टेक एनी एक्शन इन दिस रिलेशनशिप। दोनों पॉजिटिविटी है, यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट थिंग्स विल वर्क आउट इफ यू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस रिलेशन में उसको अच्छे से हैंडल करेंगे और एक चॉइस करेंगे लाइफ में कि भाई हाँ ये मुझे करना है और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा और इसको सक्सेस बना के रहूँगा। सो ये एक एस्पेक्ट है जो आपको हैंडल करना होगा अभी फॉर सम टाइम। सो इस पर ध्यान दीजिएगा, थिंग्स विल वर्क आउट। चाहे आज फीलिंग्स चैलेंजिंग हो, दैट डजंट मैटर, कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, होंगी, बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट चॉइस, डिसिप्लिन एंड मेक अ थॉटफुल डिसीजन रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। चिकुन कुमार जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी वेल एंड ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर यूजिंग सुपर चैट चिकुन कुमार जी, एंड सी यू विद लॉट ऑफ सक्सेस अहेड। नाउ वी हैव ओके, देन वी हैव अदिति। शुभा, मुझसे यूनियन होगा, पहले ही हमने बोला है ना कि आपके लिए जो कार्ड आया था बहुत ही चैलेंजिंग था, ब्रेकअप का इंडिकेशन है, तो ये कार्ड ज़्यादा नहीं है। जनरल लीडिंग फॉर 5 डेज, कार्ड नंबर 3 अदिति गुप्ता बोल रही है, जनरल लीडिंग आपके लिए पॉजिटिव है। मॉनिटरी गेंस दिख रहे हैं आपके लिए अदिति जी, सो ऑल द बेस्ट। एंड अबेंडेंस है, तो जो भी अच्छे मूवमेंट है स्पेशली करियर को लेकर, फिनेंस को लेकर, उस पर आप ज़रूर अच्छा काम कर सकते हैं अदिति गुप्ता, ऑल द बेस्ट। और जैसे कि मैंने बोला, प्लीज़ ज्वाइन द कॉन्टेस्ट, हमारे पास 2 एंट्रीज आई हैं, स्क्रीन के ऊपर देखिए, टाइप बस एक्सक्लेमेशन साइन एंड ज्वाइन, आप करेंगे तो उस ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। और जो भी ये रैंडम ड्रॉ होगा जो मशीन जनरेटेड है, तो जो भी विनर होगा उसके लिए एंजल्स रीडिंग सबके लिए की जाएगी, मतलब उनके लिए की जाएगी। सो फटाफट ज्वाइन कीजिए इस कॉन्टेस्ट में, सो ऑल द बेस्ट। और अब रीना है, कार्ड नंबर 1, क्या मेरा प्रमोशन फिजिक्स सब्जेक्ट में होगा? मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये यस कार्ड है पहली बात तो रीना जी, होगा, लेकिन उस सक्सेस को बरकरार रखने के लिए, उस सक्सेस को हैंडल करने के लिए आपको लगातार इसमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो रीना जी प्लीज़ डू इट, यस कार्ड है, बट फिर भी आपके मेहनत हमेशा बरकरार रखेगा, इस प्रमोशन को में हो जाएगा और उसको स्टैब्लिश रखने के लिए, सक्सेसफुल उस प्रमोशन में रहने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। सो ऑल द बेस्ट। और हम अब आगे बढ़ते हैं, में करियर में चेंज होगा, रीना पूछ रही हैं। देखिए पहली बात मैं आपके लिए आज कार्ड पढ़ देती हूँ, आज हमना नए तरीके से पैटर्न के साथ हमने प्रोग्राम आज आप सबके लिए कर रहे हैं, तो मैं आज आपका पढ़ देती हूँ। बट मैं आइडियली रीना जी, मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ बिकम द मेंबर। सैटरडे को हम लोग मेंबर्स ओनली की रीडिंग करते हैं, जहाँ पर हम 2024 के बारे में बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो आपको बस करना ये है कि ज्वाइन कर लीजिए अकुल में, दैट विल हेल्प यू। हालांकि मैं आज आपका पढ़ देती हूँ, देखिए बिल्कुल होगा, पॉजिटिविटी है, लेकिन आपको आज से ही इस चेंज के लिए एक्शन लेना पड़ेगा रीना जी। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगी तब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। फॉर मोर डिटेल्स, रीना जी बिकम मेंबर एंड अवेल दिस रीडिंग ऑफ 2024 ऑन कमिंग सैटरडे, जो कि इस साल का लास्ट सैटरडे होगा। सो फटाफट आप मेंबर बनिए, ज्वाइन मेंबरशिप।
महक कार्ड नंबर टू, क्या मेरी शादी करेंट बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड वन मिनट करंट बॉयफ्रेंड नमीम अहमद से होगी और कार्ड नंबर टू है आपका महक, अब बिल्कुल होगी, यस कार्ड है इसमें। एक्चुअली आपकी फैमिली में जो एल्डरली लेडीज हैं ना, या एक कोई लेडी है, उनकी हेल्प अगर आप लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा महक जी। सो यस कार्ड है आपके लिए, बट थोड़ा हेल्प की, पुश की ज़रूरत तो पड़ेगी। क्या मेरे पेरेंट्स नमीम को एक्सेप्ट करेंगे कार्ड नंबर वन? देखिए डिपेंड करता है कि कितना आप सिंसियरली इस चीज़ को हैंडल करती हैं महक, क्योंकि ये जो आपके और आपके पेरेंट्स का जो 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 इशू है, इसके अंदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरी बात है कितना अच्छे से आप कन्विंस कर सकती हैं अपने पेरेंट्स को नमीम को लेकर, और नमीम कितना क्योंकि ये रिलेशन इक्वालिटी का, जितना आप देंगी, जितना आप परसुएट करेंगी, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके ऊपर एंटायरली डिपेंड करता है। यस हो सकता है, लेकिन ये बहुत कुछ आपके एफर्ट पर डिपेंड करता है महक जी। करंट फीलिंग ऑफ ए कार्ड नंबर वन, चांदनी पूछ रही है, वेरी वेरी पॉजिटिव यस कार्ड है आपके लिए चांदनी जी, ऑल द बेस्ट। क्या मुझे ए व्हाट्सएप पे अनब्लॉक करेगा कार्ड नंबर टू? अब बिल्कुल करेगा, यस है। आज चीज़ों को लेके थोड़े इमोशनल हैं ए जिनके बारे में आप पूछ रही हैं, सो यस कार्ड है। दोनों ही प्रश्नों के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए, ऑल द बेस्ट चांदनी जी। ए मेरे लिए अपने दोस्तों से मीटिंग के लिए सजेशन ले रहा है, ओके ये आप पूछ रही हैं कि मतलब वो कोई गाइडेंस ले रहे हैं आपसे मीटिंग करने के लिए अपने फ्रेंड से? नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है, नो कार्ड है आपके लिए। तो फ्रेंड्स का कोई रोल नहीं है ए के लिए आपसे मीटिंग करने का। सो टुडेज ब्लेसिंग चांदनी जी के लिए, टुडेज ब्लेसिंग आपके लिए यस है। थोड़ा सा विजडम से और अपने इंट्यूशंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो भी एक्शन लें विजडम के साथ लें, सो दैट विल हेल्प यू, और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे चांदनी जी। और सबके सबको एक बार मैं फिर बता देती हूँ, ज्वाइन द रैंडम ड्रॉ टू अवेल एंजल्स रीडिंग वर्थ ऑफ 1000 रुपीज, एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पर आपको करना सिर्फ इतना है कि एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन को टुगेदर टाइप करना है, सारी डिटेल्स ऊपर स्क्रीन पर भी है। तो एंट्री कीजिए ड्रॉ में, रैंडम ड्रॉ के अंदर, और प्रोग्राम के लास्ट में आपके लिए रैंडम ड्रॉ निकाला जाएगा। जो भी विनर होगा उसको एब्सोल्युटली फ्री एंजल्स रीडिंग दी जाएगी। और आपको ये भी बता दूं कि आज से एक नए पैटर्न से हमने अपना ये स्ट्रीमिंग शुरू किया है। इसमें आप 10 बजे शुरू होता है ये स्ट्रीमिंग और 1 बजे तक चलेगा। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। साइंस है, बिजनेस टिप्स हैं, टॉप कंपनीज जो अगर बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो बिजनेस टिप्स का प्रोग्राम देख सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। टॉप कंपनीज अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके स्टेट में टॉप कंपनीज की डिटेल्स आप पा सकेंगे। टॉप कंपनीज में वास्तु के रिलेटेड टिप्स आपको दिए जाएंगे इस प्रोग्राम में। इसके अलावा साइंस और माइंड जिम भी है, जो कि क्विज प्रोग्राम है, जिसके अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन एनहांस योर नॉलेज, और टैरो तो है ही। और आज से हम ना केवल एंजल्स रीडिंग करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के, बट हम ओरेकल रीडिंग भी करेंगे। तो डिटेल्स सारे आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स हैं, आप रीड कीजिए एंड पूरा पूरा फायदा उठाइए चीज़ों का। बिमला गुप्ता जी कार्ड नंबर थ्री करेंट फीलिंग ऑफ शशि बहुत ही पॉजिटिव है। टाइम आ गया है कि आपके न्यू बिगनिंग का आप स्टार्ट कर सकती हैं। यहाँ पर
नो कांटेक्ट होने के बाद भी आपको अभी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होने पर जब चैलेंजिंग सिचुएशन होती है बिमला गुप्ता जी, तो ज़रूरी है कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर उस पर कुछ काम किया जाए। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन को आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीशन लेकर उसको हटा सकती हैं, नो कॉन्टैक्ट भी हटा सकती हैं। और क्योंकि अभी लैक ऑफ डिसिप्लिन है, चीज़ों को सिंसियरिटी या शिद्दत के साथ चीज़ों को नहीं हैंडल कर रही हैं। तो अगर आप एक ये पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप शशि को लेकर, तो प्लीज़ वर्क ऑन दिस, मेक ए इम्पॉर्टेंट च्वाइस और बिफोर एवरीथिंग गोज रॉन्ग। तो अभी एक डिसीजन लीजिए, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, उनका भरपूर फायदा उठाइए एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। अच्छा, रीटा पूछ रही हैं कि मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो देखिए रीटा जी, पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो स्क्रीन पे देखिए, वहां पे ऊपर लिखा है टाइप एक्सक्लेमेशन साइन जॉइन। तो ये एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन दोनों को साथ में टाइप करना है कीबोर्ड से और एंटर करना है। जैसे ही आप टाइप करके एंटर करेंगी, यू विल बी इन द ड्रॉ, यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द ड्रॉ रीटा जी। तो देख लीजिए और टाइप करके, अभी हमारे पास दो एंट्रीज हैं ड्रॉ की, तो आप फटाफट टाइप कर लीजिए कीबोर्ड से और एंटर दबा दीजिए टाइप करने के बाद। दैट्स इट। हाँ, तो रीटा जी, आप फिर 2024 के आपने पूछा है कि भाई की शादी होगी, आपने शायद 2024 के पहले भी पूछा था। तो रीटा जी, आपसे मैं गुजारिश करूँगी, प्लीज़ बिकम द मेंबर एंड आप डेडिकेटेड अपने लिए, अपने भाई के लिए रीडिंग ले सकती हैं ऑन सैटरडे, कमिंग सैटरडे, जो कि लास्ट सैटरडे है इस साल का। तो बस कुछ नहीं करना है रीटा जी, आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, दैट्स इट। एंड देन यू कैन आस्क एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन सैटरडे इन द टैरो सेशन। चांदनी बोल रही है थैंक यू, यू आर वेलकम। सोनम कुमारी इज सेइंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनम जी, आप सभी को बहुत मिस किया, आई वॉज नॉट अवेलेबल फॉर फ्यू डेज लास्ट वीक, बट अब हम आ गए हैं एक न्यू प्रोग्राम के साथ। सभी को इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ, ये प्रोग्राम शुरू होता है सुबह 10 बजे, 1 बजे तक चलेगा। इसमें साइंस, बिजनेस टिप्स, टॉप कंपनीज, वास्तु, हिस्ट्री एंड माइंड जिम सब कुछ है, और टैरो तो है ही आप सबके लिए। सो सोनम जी, राज मुझे याद करते हैं, बिल्कुल याद करते हैं सोनम कुमार जी, ऑल द बेस्ट। अच्छा है, यस कार्ड है आपके लिए। देन सोनम कुमारी, राज की करंट फीलिंग मेरे लिए, करंट फीलिंग बहुत बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है। सोनम कुमारी जी, बैलेंस करके चीजों को आगे बढ़ाइए, ऑल द बेस्ट। और फिर अगेन प्लीज पार्टिसिपेट इन द ड्रॉ। ए ने पूजा को मेरे बारे में सब बता दिया है, कार्ड नंबर टू। एक्चुअली बता तो दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बता, लेकिन कभी कभी होता है ना, फाइनल पॉइंट्स हम नहीं बताते हैं, बस रैंडम बताते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो कैजुअली शायद बताया है उन्होंने, तो ये सिचुएशन है। शशि वैन अनब्लॉक मी ऑन व्हाट्सएप। तो वैन के लिए तो आपको सुपर चैट यूज करना पड़ेगा बिमला जी। देन रुखसाना बानो, मैडम मेरी शादी सैप से होगी, कार्ड नंबर थ्री। बिल्कुल होगी, एज यस कार्ड है, लेकिन जल्दबाजी किसी चीज में मत कीजिए रुखसाना, और आपको थोड़ा एंजल्स या मतलब अपने ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए इस विषय पर। इसके अलावा थोड़ा चैरिटी भी करेंगी ना, तो दैट विल ऑल्सो एड इन टू गुड कर्मा, और ये आपको हेल्प ही करेंगे। हालांकि यस कार्ड है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जेनरोसिटी के साथ हैंडल कीजिए फॉर सम टाइम अपनी लाइफ और अपने रिलेशंस।
क्या करंट पार्टनर के साथ मेरा फ्यूचर है न्यू के साथ? तो चांदनी जी, इसके लिए तो लव रीडिंग आपको लेनी पड़ेगी। न्यू कनेक्शन है आपका, क्या स्टेटस है, इसमें तो डीप रीडिंग की जरूरत है चांदनी जी। प्लीज सेलेक्ट सुपर चैट और बिकम मेंबर, दैट इज मोर बेनिफिशियल। क्योंकि अगर मेंबर होंगे तो ना केवल आपको अनलिमिटेड रीडिंग दी जा सकती है, बल्कि आप 2024 की रीडिंग जो सैटरडेज को होगी वो भी आप अवेल कर सकते हैं, उसमें आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो लुक इनटू दैट। रुक्साना बानो इज सेइंग शुक्रिया, थैंक यू रुक्साना, गॉड ब्लेस। गुड्डू शर्मा, ताडनव क्या प्रशांत संध्या के साथ शादी करेगा? नहीं का इंडिकेशन है आज तो गुड्डू शर्मा जी, आपको थोड़ा डीप रीडिंग और लेना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर तो शादी क्या, रिलेशनशिप में भी क्योस दिख रहा है अभी तो गुड्डू शर्मा आज तो, सो यू हैव टू बेयर विद दैट। विमल गुप्ता, शशि व्हाट्सएप से अनब्लॉक करेगा? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया विमला जी, ये इसके लिए अच्छा व्हाट्सएप से, आपने कार्ड भी नहीं चुना है विमल गुप्ता जी, सो दिस इज इट। कार्ड चूज कीजिए या सेलेक्ट कीजिए, सुपर चैट या मेंबर बनिए। और एक बार फिर बता देती हूँ, आज से एक्चुअली हमारा शो शुरू होता है 10 बजे, 1 बजे तक चलेगा स्ट्रीमिंग। और इस स्ट्रीमिंग में टैरो रीडिंग तो होगा ही, साथ में 2 तरह के ड्रॉज निकाले जाएंगे, एक एंजल्स रीडिंग के लिए, एक ओरेकल रीडिंग के लिए। तो अभी जो करंट जो चल रहा है ड्रॉ, उसकी एंट्रीज ओपन है, तो आप लोग उसके लिए अगर आप शामिल होना चाहते हैं इस ड्रॉ में, अभी 2 एंट्रीज ही हैं हमारे पास, तो अगर आप ड्रॉ में शामिल होना चाहते हैं और एंजल्स रीडिंग वर्थ ऑफ 1000 रुपीज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइप करना है एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन टुगेदर, साइन कर लीजिए, एंटर दबा दीजिए, यू विल बी इन द एंट्रीज फॉर द ड्रॉ, जो कि सिस्टम जनरेटेड ड्रॉ है सभी के लिए। और जॉइन कीजिए और यू कैन टेक दिस एंजल्स रीडिंग वर्थ ऑफ 1000 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। एंड संध्या शर्मा, कार्ड नंबर 3, क्या शुरू प्यार करते हैं मुझे? बिल्कुल रोमांटिक है बहुत ज़्यादा आपके लिए, बहुत ही लवली इंडिकेशन है। प्रिंस चार्मिंग है संध्या जी, शेरू आपकी लाइफ में, आपको बहुत जल्दी इस पर कोई पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट, रोमांस इज इन द एयर, बहुत प्यार करते हैं आपको, कोई घबराने की बात है नहीं। सो बिमल गुप्ता, कार्ड नंबर 3, शशि व्हाट्सएप से अनब्लॉक करेगी? नो, नो का कार्ड है बिमल जी, आज हार्ट ब्रेक दिख रहा है, तो यू हैव टू बेयर विद दैट बिमल गुप्ता जी। हमारे पास अभी ओनली 30 मिनट्स रह गए हैं एक्चुअली, तो आप सभी से गुजारिश है कि संध्या शर्मा जी बोल रही हैं, थैंक यू, यू आर वेलकम टुडे, यू आर ऑन अ वेरी स्वीट स्पॉट संध्या। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास अभी 2 एंट्रीज आई हैं लकी ड्रॉ की, एंड इसमें ज्वाइन करने के लिए एक्सक्लेमेशन साइन एंड ज्वाइन टाइप कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। ऑलरेडी डिटेल्स दी हुई हैं स्क्रीन पर, आप पढ़ के भी कर सकते हैं। ए चाहते हैं मेरी शादी किसी और से हो जाए, इसके लिए तो आपको ओरेकल रीडिंग लेनी पड़ेगी चांदनी जी, या आप लव रीडिंग लीजिए थ्रू सुपर चैट। तो दिस इज इट। We have Neera Khadia,
2024 में मुझे अनब्लॉक करेगा, ठीक है नीरा जी। आज हम मैं आपको एक बता देती हूँ कि आज एक नए पैटर्न से हमने ये स्ट्रीमिंग शुरू की है। सुबह शुरू होता है 10 बजे। एंड नीरा खारिया जी, आपने 2024 की रीडिंग मांगी है तो मैं अभी आपके लिए कर देती हूँ आज, क्योंकि आज एक नए तरह का शो है और पहली बार हम ये कर रहे हैं। तो नीरा जी, कार्ड नंबर 2 आपने कहा है तो बिल्कुल वो करेंगे। और अभी भी आज उनके मन के अंदर पॉजिटिविटी है नीरा खादिया जी आपको लेकर। पुरानी बातें आप आज याद कर रहे हैं, तो ये पुरानी बातें याद करते करते अनिल जी डेफिनेटली आपको अनब्लॉक करेंगे। यस कार्ड है आपके लिए, ऑल द बेस्ट। सो हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपसे हमारे हमारे जो स्ट्रीमिंग में दो तरीके के कॉन्टेस्ट रहेंगे। एक कॉन्टेस्ट ऑलरेडी जारी है नीरा जी, चांदनी जी, संध्या शर्मा जी, बिमल गुप्ता जी, कि आपको बस करना ये कि एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन दोनों को टाइप करके एंटर कर देना, ताकि आप एंजल्स रीडिंग ले सकें वर्थ ऑफ 1000 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। सो दिस इज इट, सो ऑल द बेस्ट। चांदनी, क्या अंशुल मुझे न्यू ईयर विश करेगा कार्ड नंबर 2? नहीं, कन्फ्यूजन है चांदनी जी, कुछ दिल में ऐसा है जो रॉन्ग है वो आपके लिए अंशुल लेकर बैठे हुए हैं। सो उसके लिए या तो आप क्लैरिटी लाइए, कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ताकि चीज़ें सीमलेसली हो जाएं आपके रिलेशन में अंशुल को लेकर, और फिर आने वाले समय में अच्छा होता चला जाए। सो फॉर दैट, एंड चांदनी जी वन मोर थिंग, अगर आप चाहें तो मेंबर बन सकती हैं और 2024 की जो रीडिंग है वो आप सैटरडे आप ले सकती हैं, क्योंकि ये सैटरडेज ओनली फॉर मेंबर्स है। और जो भी मेंबर्स हैं वो बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ करना ये है कि आपको ज्वाइन करना है मेंबरशिप, और फिर 2024 में करियर, फिनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, सबके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। तो अभी हमारे पास हैं 28 मिनट्स, तो अगर आप चाहें तो आप सुपर चैट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चुकुन कुमार जी ने किया था, और इसके अलावा आप मेंबर बन सकते हैं। देखिए संध्या शर्मा भी 2024 की बात पूछ रही हैं, तो संध्या जी हैं या चांदनी जी हैं या नीरा जी हैं या डेफिनेटली संध्या शर्मा हैं, तो ये सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेंबर बन जाइए, फिर आप बहुत सारे ढेर सारे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स के लिए अनलिमिटेड सवालों के आंसर्स हम देंगे। और उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए आप, एंड सैटरडेज को हम मेंबर्स ओनली शो करेंगे। सो उसमें आप 2024 के रिलेटेड बहुत कुछ पूछ सकते हैं, बहुत सारी रीडिंग डिफरेंट डेक्स से ले सकते हैं। सो दिस इज इट। और इसके अलावा प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, रैंडम ड्रॉ निकलने वाला है एट द एंड ऑफ द शो। आई एक्सक्लेमेशन एंड ज्वाइन टाइप करके एंटर दबाना है, दैट्स इट, देन यू आर इन, या आपकी एंट्री हो जाएगी इस ड्रॉ के अंदर। संध्या, 2024 मेरी भी परमानेंट जॉब होगी। आपने संध्या शर्मा जी कोई कार्ड नहीं चुना है, प्लीज सेलेक्ट द कार्ड संध्या शर्मा।
ओके सो नाउ संध्या है सेलेक्टेड, मेरी परमानेंट जॉब लगेगी कार्ड टू. देखिए अब बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपकी परमानेंट जॉब को लगने में संध्या शर्मा जी. और जब तक मतलब हमारी विशफुल थिंकिंग तो होती है कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हमारी परमानेंट जॉब भी लगे, लेकिन जो आपके सक्सेस और आपके बीच में जो चैलेंजेस होते हैं ना उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं. तो पहली बात आपको आज ये गाइडेंस देते हैं टैरो कि आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहले परमानेंट जॉब और आपके बीच में पहले आप उनसे फाइट आउट कीजिए, उनको हटाइए और तब जाके आपको जो सक्सेस मिलेगी वो बहुत परमानेंट होगी. सो अभी टाइम आया है, टाइम है आपको चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनसे जूझने का और उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हटाने का, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी. सो यू नो दैट कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं संध्या जी, प्लीज वर्क ऑन दैट. इंस्टाग्राम पे ए मेरा स्टेटस वॉच करते हैं, ही लव्स मी, कार्ड नंबर वन. नो नो कार्ड है आपके लिए, चैलेंजेस हैं चांदनी जी आपको, और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नहीं है, इनफैक्ट बैड एनर्जीज दिख रही हैं चांदनी जी, सो यू हैव टू बेयर विद दैट. Sandhya Sharma is saying thank you. You are welcome, Sandhya. God bless. और एक बार फिर याद दिला देती हूँ कि आज से हमने कुछ reshuffle किए हैं streaming के अंदर, हमने बहुत सारी चीजें इसमें add की हैं. Only for the benefit all the callers, all the viewers, क्योंकि अभी हमारी streaming शुरू होती है सुबह 10 होगी, मतलब कल से, आज से शुरू हुई है नया pattern के साथ. तो आप 10 बजे शुरू होती है, you can join at 10 और ख़त्म होगी around 1 PM every day. और इसमें ना केवल टैरो हो रीडिंग होगी बल्कि उसमें साइंस, बिजनेस टिप्स, टॉप कंपनीज, स्पेशली उन लोगों के लिए जो या तो नई जॉब ढूंढ रहे हैं और टॉप कंपनीज अपनी स्टेट में फाइंड आउट करना चाहते हैं ताकि वहाँ पे अप्लाई कर सकें, तो उनकी डिटेल्स हम आपको देंगे. इसके अलावा कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बिजनेस टिप्स का प्रोग्राम है. इसके अलावा घर में सुख शांति, हार्मनी, पॉजिटिविटी चाहते हैं तो वास्तु का भी सेशन है आप सभी के लिए, जो आप अपने घर में फेर बदल कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रेमिडीज विच विल बी गिवन इन वास्तु सेक्शन. इसके अलावा हिस्ट्री है, इसके अलावा माइंड जिम है जो कि क्विज प्रोग्राम है, साइंस है जो अगर आप अपने कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सारे टॉपिक्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं. एंड so join that time. Okay, तो आरओ में मेरा गवर्नमेंट सिलेक्शन हो जाएगा, चांदनी पूछ रही हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा चांदनी जी, लेकिन आपके लिए टाइम लगेगा और इस टाइम लगने के जो समय है इसमें आपको अपने ये जो आपका गोल है इसमें मेहनत कीजिए. Put your heart and soul, that will really help you. ऐसा नेगेटिव कुछ भी नहीं है बट टाइम आपको लग सकता है, ये बिल्कुल बताया जा रहा है चांदनी जी. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस टाइम इन प्रोडक्टिविटी. सो दिस इज इट. और जैसे कि मैंने बताया है कि इस बार हम अपने स्ट्रीमिंग में एक ड्रॉ नहीं बल्कि दो ड्रॉ करेंगे, और एक ड्रॉ ऑलरेडी चल रहा है. इसमें आप एंट्रीज अपनी एंटर कीजिए, अपना नाम एंटर कीजिए, क्योंकि ये रैंडम ड्रॉ है जो मशीन जनरेटेड है. तो इसके लिए कैसे ज्वाइन करेंगे इस ड्रॉ में, इसमें आपको एक्सक्लेमेशन साइन एंड ज्वाइन दोनों को टाइप करना है टुगेदर, और बस टाइप करके एंटर करना है. अभी दो एंट्रीज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसके अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी भी एंट्री हो जाएगी, और प्रोग्राम 20 मिनट्स बाद अप्रॉक्सीमेटली हम ड्रॉ निकालेंगे और जो भी विनर होगा उसको हम एंजल्स रीडिंग देंगे. सो विच इज़ वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर द
विनर एट द सेम टाइम. आपको ये भी बता दूं कि 10 बजे शुरू होता है, 1 बजे ख़त्म होगा स्ट्रीमिंग, और इसके अंदर एक ड्रॉ नहीं है बल्कि दो ड्रॉ हैं. तो दो ड्रॉ, एक एंजल्स है और एक ओरेकल है, तो आप दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट. देन अभी हमारे बीच में है स्वाति पटेल. हर्ष शिखा को मैसेज करेगा इन द एंड ऑफ द ईयर कार्ड नंबर 2, नहीं का इंडिकेशन है स्वाति पटेल, नो का इंडिकेशन है. और इस अगर मैसेज चाहती हैं तो आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़कर इसमें काम करना पड़ेगा. परसिस्टेंटली हार्ड वर्क चाहिए आपके रिलेशंस को स्वाति पटेल. हार्ड वर्क के बिना सक्सेस नहीं है, और सक्सेस है भी तो भी डिले है. सो यू हैव टू बेयर विद दैट स्वाति पटेल. स्वाति पटेल प्लीज पार्टिसिपेट in this random draw to avail angels reading. आपको करना क्या है, exclamation sign and join दोनों को एक साथ टाइप कीजिए और एंटर कीजिए. आप एंटर करिए और उसके बाद आप इस लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगी. डिटेल्स ऑलरेडी स्क्रीन पर दी गई हैं स्वाति पटेल. ओके, ए के लिए चांदनी कार्ड नंबर 2 पूछ रही हैं. कार्डनी ए के लिए चांदनी कार्ड नंबर 2 बहुत ही पॉजिटिव है, लवली इंडिकेशन है, सक्सेस दिख रहा है, राइज ऑफ सक्सेस है, थिंग्स आर रियली रियली गुड एज फॉर ए इज कंसर्न. कृष्ण गोपाल शर्मा, रम क्या राजीव शर्मा मुझे न्यू ईयर पे कॉल करेंगे, तो कार्ड नंबर 2 है कृष्ण जी, नो का इंडिकेशन है. तो कृष्ण गोपाल शर्मा जी नेगेटिव है, नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है. एंड कृष्ण गोपाल शर्मा जी आप मेंबर बन सकते हैं. सैटरडेज को हम मेंबर्स ओनली रीडिंग करेंगे फॉर द ईयर 2024. तो बिकम द मेंबर एंड अवेल दिस फैसिलिटी. आज के दिन कृष्ण जी, कृष्ण गोपाल शर्मा जी आपके लिए नो कार्ड है. स्वाति पटेल जनरल रीडिंग कार्ड नंबर 2, जनरल रीडिंग आपके लिए पॉजिटिविटी से भरी हुई है. इट्स अ सेलिब्रेशन स्वाति पटेल आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए. सो पॉजिटिविटी है, तो इन पॉजिटिव मूवमेंट्स का भरपूर फायदा उठाइए फॉर समथिंग बिगर गोल. स्वाति पटेल ऑल द बेस्ट. एंड हम आगे बढ़ते हैं. मनी अबेंडेंस के लिए हमें क्या रूम में प्लांट लगाने चाहिए, डायरेक्शन. ओके, तो चांदनी जी इसके लिए ना आपको वास्तु जो सेक्शन है ना वहाँ पर आपको बताना चाहिए, मिलना चाहिए मुझे. बट मनी अबेंडेंस के लिए एक्चुअली मनी प्लांट आप लगा सकती हैं घर में डेफिनेटली, और इसको ऊपर की तरफ लगाइए, नीचे ना रखिए. और ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन इज गुड, उस समय लगा सकती हैं. साउथ में बिल्कुल मत लगाइएगा, और जहाँ पे क्लटर हो वहाँ पर भी मत लगाइएगा. सो ये बात का ज़रूर ध्यान कीजिएगा. स्टडी टेबल है तो स्टडी के नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ या ईस्ट में लगाइएगा. अगर जहाँ पे धूप आ रही हो तो वहाँ पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके. कई बार क्या होता है, हम पानी में लगा लेते हैं मनी प्लांट लेकिन धूप नहीं हो पाती तो इससे पत्ते सूख जाते हैं, तो ऐसा मत होने दीजिएगा. एंड स्वाति पटेल, विल आई गेट परमानेंट जॉब इन द ईयर 2024? तो आपने फिर कार्ड नहीं चुना है स्वाति पटेल. सो प्लीज सेलेक्ट द कार्ड. कार्ड 2 आपने सुना है कि आपको मिलेगी 2022 डिफेंड. बिल्कुल मिल सकते हैं, यस कार्ड है आपके स्वाति पटेल, न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन. ऑल द बेस्ट स्वाति पटेल इज सेइंग थैंक यू. यू आर वेलकम स्वाति.
Okay, so participate in this random draw. स्वाति पटेल, आपका रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर दिया है. आपके गवर्नमेंट जॉब को लेकर हाँ, सो 50 मिनट्स आर लेफ्ट. और जैसे कि मैं आप सभी को बता रही हूँ, तो प्लीज ज्वाइन दिस रैंडम ड्रॉ जिसमें टू अवेल एंजल्स रीडिंग वर्थ ऑफ 1,000 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री. तो आज आज से हम अपने जो हमारा सिर्फ एंजल्स रीडिंग नहीं होगी बट ओरिकल रीडिंग भी होगी. और हमारा जो स्ट्रीमिंग है वो एवरी डे 10 o'clock शुरू होगा. और उसमें साइंस, बिजनेस टिप्स, टॉप कंपनीज ये है. सो दिस विल हेल्प यू टू हैव मोर इंसाइट इन योर करियर, इन योर जॉब सर्च, इन बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट. वास्तु भी है, हिस्ट्री भी है. सो प्लीज अवेल एडवांटेज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन बिसाइड टैरो रीडिंग. सो अभी हमारे बीच में है पायल राणा. हेलो पायल राणा. और मैं एक्चुअली बाईपास करूँगी क्यू फॉर पायल राणा. उन्होंने यूज़ किया है सुपर चैट. पायल राणा जी, पायल राणा बोल रहे हैं निशांत जरिया से मेरी कुंडली मैच होगी मैम. और अब नेक्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, रिश्ते हो जाएगा क्या, करियर में सब अच्छा रहेगा. सो पायल राणा जी, पहले तो मैं लेती हूँ आपके लिए लव रीडिंग. लव डेक लिया है. और पायल राणा जी, लेट्स फाइंड आउट कि आपके निशांत के साथ क्या रिलेशन का इंडिकेशन है. आपके लिए 3 कार्ड लिए हैं आपके लिए पायल राणा जी. तो निशांत से मेरी कुंडली मैच होगी, पहली बात है. देखिए, पहली बात है थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं. ऐसी बात नहीं है कि आपकी मैच होगी या नहीं. यहाँ पर इसको मैच करने के लिए या जो प्रोसेस है मैचिंग का, या जो जो आप आपका मैच करा रहे हैं उनकी तरफ से भी ये जो बोलते हैं ना कि राइट पर्सन एट राइट टाइम, इस तरह का कुछ दिख रहा है आपके लिए. ये ज़रूरी है कि जो ज़्यादा समझदार हो, जो ज्योतिषी जो आपकी कुंडली मिला रहे हो वो, उनसे आप ज़्यादा हेल्प लीजिए. कभी कभी हम कैजुअली हेल्प लेते हैं और फिर हमें चैलेंजेस आ जाते हैं. तो पहली बात ये ज़रूरी है कि ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कार्ड है, बट ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक सही कोई भी चीज पाने के लिए कभी कभी हमें लंबा सफर करना पड़ता है. समथिंग लाइक दैट विल बी हैपनिंग इन योर कुंडली मैच विद विद निशांत. दिस इज व्हाट इज बीन इंडिकेटेड. तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोलूंगी कि नेगेटिव है, टाइम लग सकता है आपको, ये आपके लिए जरूरी बात है. और कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा सब कुछ अच्छा हो गया, अभी डिसीजन लेंगे नहीं लेंगे, थोड़ा सा वो ना कंफ्यूजन का जो स्टेट है वो सम टाइम हो सकता है. तो इसके लिए आप जरूरी है पायल राणा जी कि आप ना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा समय ले सकता है आपके निशांत कुंडली मैच होने में और जो नेक्स्ट स्टेप होने में. रिश्ता हो जाएगा इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है पहली बात, लेकिन पॉजिटिविटी आने के लिए आपको समय लग सकता है, ये बिल्कुल डेफिनेट है यहाँ पर. लेकिन इस साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जिनसे भी आप मिलवा रही हैं एक एक्सपर्ट से मिलवाएंगी जो आपको श्योर शॉट आपको रेमेडी दे सके, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो घबराने की कोई बात नहीं है, चीज़ें हो जाएंगी. आप यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है पायल राणा जी कि ये सारे प्रोसेस के अंदर प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत है. रैंडम आपके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है. कईयों के लिए हो सकता है कि जो आपने सोचा एकदम हो जाता है, वो दे वर लकी वन पायल राणा, लेकिन आपके लिए ये नहीं है. आपको इसमें प्लानिंग करना पड़ेगा. हो सकता है आपको थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़े इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. रिश्ता और इसमें भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है पायल राणा जी. और
ये एक लगातार, अगर आप बहुत सीरियस हैं निशांत को लेकर, मतलब 100% 101% सीरियस हैं, तो आपको थोड़ा सा परसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर, एक फाउंडेशन पर ले जाने के लिए, और तभी आपको सक्सेस मिलेगी। बैठकर सोचकर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, और इसके लिए थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग, आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी सोचना पड़ता है। आउट ऑफ बॉक्स सिर्फ करियर में नहीं सोचना होता पायल राणा, हमें अपने रिलेशनशिप में भी सोचना होता है। तो ये आप करिए, परसिस्टेंट कीजिए, थोड़ा आगे बढ़कर थोड़ा सा चैलेंजेस लीजिए, ताकि आपका जो आप चाहती हैं वो हो जाए, उसकी तरफ आपके रास्ते खुल जाएं। जो कभी थोड़ा बहुत जो आपको अटकलें आ रही हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो पहली बात है प्लानिंग, दूसरी बात है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। एक कैजुअल नहीं कि चलो ये हो जाए उसके बाद फिर देख लेंगे, ऐसा नहीं। आप एक प्लान कीजिए और तब जाके आप परसिस्टेंटली हार्डवर्क कीजिए, ताकि आपका ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो ये थोड़ा सा हार्डवर्क का दोनों कार्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही लवली इंडिकेशन है, ये फैमिली लाइफ दिखाता है। तो इसका मतलब जब ये यहाँ पे इनिशियली आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलनी ही है, और उस मिलने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा स्ट्रगल आपके लिए डेफिनेटली दिख रहा है, और उसमें आपको घबराना भी नहीं चाहिए कि भैया मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके लिए जॉय, घर बनाने का जो होता है ना कि बिलोंगिंगनेस, हैप्पी इवेंट्स मैरिज हो सकता है, रोका हो सकता है, रोका होने के बाद मैरिज हो सकती है, नए घर में आप शिफ्ट हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। सो थिंग्स आर रियली रियली पॉजिटिव आने वाले समय में, लेकिन इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए तो थोड़ा सा प्लान कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, करना है मुझे ये सोचिए, और कैसे करना है, परसिस्टेंटली हार्डवर्क करना है, प्लानिंग करनी है, और ये सारी चीज़ें आपको करनी ही होगी, करना ही चाहिए आपको, ताकि जो रिजल्ट, जो इस तरह का रिजल्ट आप देख रही हैं, वो आपके लिए जॉय, बिलोंगिंगनेस, फैमिली लाइफ, ये सब कुछ लेकर आएगा और आ सकेगा। और जब तक आप, ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको चलना ही होगा पायल राणा जी। तो इसको देखिए, कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेंटर एडवाइस लीजिए, लोगों से बात कीजिए, जिनसे आप निशान से बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनको प्लानिंग का ही पार्ट समझिए आप चीज़ों को। और जहाँ तक आपका करियर का है, तो सब अच्छा रहेगा, तो उसके लिए एक कार्ड मैं आपके लिए निकाल देती हूँ आपको। सो ओरेकल रीडिंग में आपके लिए करियर के लिए कर रही हूँ पायल राणा जी, और यहाँ पर भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, मतलब आस्क फॉर हेल्प। कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है तो टाइम आ गया, दो चीज़ें आप कर सकती हैं, एक तो ईश्वर की प्रार्थना, ये हर लेवल पर आपकी हेल्प कर सकता है। दूसरी बात, जिस करियर या जिस जॉब की बात कर रही हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा असिस्टेंस लीजिए, जो आपको दे सकते हैं, हर एक से असिस्टेंस नहीं मिलती है, जो आपके लिए काम कर सकते हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम बताइए और उनसे हेल्प लीजिए, पूछिए कि मैं क्या कर सकती हूँ ताकि मेरा करियर सब कुछ अच्छा हो जाए और रहेगा। और तब तक हेल्प के बिना ये आपको थोड़ी पुश की ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले समय में, स्पेशली इन करियर। तो दिस इज इट पायल राणा जी, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर यूजिंग सुपर चैट, टेक केयर योर सेल्फ वेल एंड बी पॉजिटिव, बी एंथुजियास्टिक in your career, in your personal life, all the best. Payal ji bol rahi hai, okay ma'am, thank you so much for beautiful reading. It is a reading which is which I want to boost you for, so that aapka jo bhi aapka goal hai wo jaldi se pura ho jaye. Aapko ye bilkul nahi sochna hai ki ye negative hai, aapko Payal Rana ji ye karna hai ki mujhe ye kaise achieve karna hai. Is mindset ke sath, main is mindset ke sath aap kaam karengi to definitely aapka ye kaam bahut jaldi pura hoga, chahe wo career ko lekar ho ya relation ko lekar ho. To ye karna hai, ye positivity aur ye jazba ये जरूरी है आपके लिए। ऑल द बेस्ट पायल राणा जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेल। अब हम वन कार्ड रीडिंग की तरफ चलते हैं और लेते हैं
Okay, Neera. Happy Christmas, Neera. God bless. Then we have Soma Roy. Card number, mere jo gold chain kho gaya hai, wo mil jayega. And okay. देखिए आप ना जहाँ पे आपको ढूंढना चाहिए ना सोमा रॉय, वहां पे आप ढूंढ नहीं रही हैं, कैजुअल है आपका, खो गया इस बात का दुख तो है, लेकिन जो आपको करना चाहिए कैजुअल अप्रोच है, थोड़ा सा सीरियसनेस लाइए, जो करना है किसी चीज को ढूंढने में वो एस्पेक्ट आपके लिए जरूरी है, तो वो काम कीजिए, इससे आपको फायदा होगा. हर्ष फील गिल्टी और नॉट फॉर हिज बिहेवियर. स्वाति पटेल, एक्चुअली यस एंड ही इज रेडी टू से सॉरी. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी वर्क अप मत रहिए स्वाति पटेल, थिंग्स विल वर्क आउट और जैसा आप चाहती हैं वैसा हो सकता है, और जैसा ही वो जो होगा उससे आपको ज़्यादा ज़्यादा अच्छा भी रहेगा और एक रिलेशन में भी एक नया दौर शुरू हो सकता है. सो दिस इज इट. विक्रम, कार्ड नंबर 3, मेघना की करंट फीलिंग फॉर मी. कार्ड नंबर 3, मेघना की करंट फीलिंग बहुत बहुत पॉजिटिव है विक्रम, आज आपके लिए यस कार्ड है और बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं विक्रम. आज आप डेट पे जा सकते हैं, आज आप अगर आपने ऑलरेडी काम कर चुके हैं मेघना को लेकर, तो आप एक सेरेमनीज या पार्टी दे सकते हैं. थिंग्स आर रियली रियली गुड. अगर छोटी मोटी या बड़ी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो एक अच्छी एडवाइस जो आपको एडवाइस दे सके या मेघना को लेकर, या मेघना ही आपको एडवाइस, तो वो भी आप ले सकते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी हैं. यस कार्ड है आपके लिए, ऑल द बेस्ट. ओके, पायल राणा इज सेइंग थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग, ऑल द बेस्ट पायल राणा, टेक केयर योर सेल्फ वेल. और हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं अब, और अगर अभी भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लकी ड्रॉ में, तो आपको बस करना है कि एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन ये टाइप करके एंटर दबाना है, दैट्स इट. अभी हमारे पास 2 एंट्रीज हैं और जो भी विनर होंगे, ये सिस्टम जनरेटेड ड्रॉ है, जो भी ड्रॉ में विनर रहेगा उसको एब्सोल्युटली फ्री 1000 वर्थ ऑफ एंजल्स रीडिंग दी जाएगी. सो ऑल द बेस्ट, प्लीज एंटर इन दिस ड्रॉ नाउ. So if you are feeling lucky that you can have this angels reading absolutely free, please enter this draw now. और मैं आगे बता देती हूँ कि आज से हमारा पैटर्न ऑफ स्ट्रीमिंग थोड़ा बदल गया है. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 AM टिल 1 PM और सो, उसके अंदर बिजनेस टिप्स, टॉप कंपनीज का डिटेल्स होगा, जो कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है. टॉप कंपनीज के डिटेल्स आपके स्टेट में हैं, तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है. इसके अलावा वास्तु है, अगर आप अपने घर में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, वास्तु कंप्लाइंस चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट इन दिस सेक्शन ऑफ वास्तु रेमिडीज. इसके अलावा साइंस है, इसके अलावा हिस्ट्री है, क्विज है, जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम की, तो आप यहाँ पर आप कुछ अवेल कर सकते हैं, कुछ ज्ञान आप पा सकते हैं. सो जॉइन. और अब एक नहीं, इनफैक्ट 2 ड्रॉज निकलेंगे, एक ओरेकल एडवाइस के लिए, एक एंजल्स एडवाइस के लिए. करेंटली एंजल्स एडवाइस के लिए आपको एंटर करना है रैंडम ड्रॉ में, और इसके लिए आपको टाइप करना है एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन बटन, जॉइन टाइप करना है एक्सक्लेमेशन एंड जॉइन, और एंटर करिए, और एंटर करने के बाद आप शामिल हो जाएंगे इस लकी ड्रॉ में. और ऑलरेडी 2 एंट्रीज हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डिटेल्स भी लिखा हुआ है कि टाइप क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपके समक्ष हैं. सो जॉइन दिस कॉन्टेस्ट नाउ. Okay.
ओके सो फाइन आई थिंक ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट और इसके बाद आप यू कैन पार्टिसिपेट इन माइंड जिम जो कि क्विज है उसके बाद ये ड्रॉ निकलेगा सो प्लीज कहीं जाइएगा नहीं वेट फॉर योर लकी नेम जहाँ पर हम एंजल्स एडवाइस देंगे सो ओनली सो सी यू इन दिस ड्रॉ आफ्टर सम टाइम सो स्टे ट्यून्ड So, see you tomorrow. Bye-bye.